जख्म जून 1982 सदर फजल इलाही चौधरी इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के पांचवें सदर फजल इलाही चौधरी का ताल्लुक जिला गुजरात की तहसील खारिया के नवाही गांव मराला से था। उन्होंने कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद वकालत के शोबे में कदम रखा, तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। कयाम पाकिस्तान के बाद सियासत में सरगर्म हो गए। 1962 में पहली मरतबा गैर जमाती इंतखाब में मेंबर कौमी असम्बली कामयाब हुए। दूसरी बार 1965 में कन्वेंशन लीग के टिकट पर कामयाब हुए तो आपको अयूब खान की हिदायत पर कौमी असम्बली का सीनियर डेप्टी स्पीकर बनाया गया। सुकूते मशरिकी पाकिस्तान के बाद 15 अगस्त 1972 को सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर आपको कौमी असम्बली का स्पीकर बनवाया। 1973 के आईन के तहत चौधरी साहब पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस उनकी जिंदगी का यादगार लम्हा था। उन्हें दुनिया भर की मुसलमान कयादत को सदर पाकिस्तान की हैसियत से खुशामदीद कहने का शर्फ हासिल हुआ। 5 जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के बाद जियाउल हक की दरख्वास्त और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए आप सदर के ओहदे पर काम करते रहे। फजल इलाही चौधरी ने 16 सितंबर 1978 को अपनी सदारत के 5 साल मुकम्मल कर लिए थे। सदारत खत्म होने से एक यौम पहले फजल इलाही चौधरी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें उनकी जगह सदर नामजद करने का इख्तियार चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउल हक को दे दिया। पाकिस्तान और जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले सदर फजल इलाही चौधरी जख्म जून 1982 को रात 8:11 पर दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत पर कौमी परचम सरनिगू रहा।